ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणिरत्नम की फिल्म PS1 से बॉलीवुड में कमबैक किया है, जो सभी सिनेमाघरों में 30 सितंबर को रिलीज हो रही है। इंडिया में तो लोग इस फिल्म का इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी इसका काफी बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच कनाडा में इस फिल्म को दिखाने वाले थिएटर ओनर्स को धमकियां मिल रही हैं। खबरों के मुताबिक कनाडा में थिएटर ओनर्स को PS1 के रिलीज को लेकर धमकियां मिली हैं। ये धमकियां ईमेल के माध्यम से दी गई हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब साउथ इंडियन फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर थिएटर ओनर्स को धमकियां मिली हैं। पिछले साल नवंबर में दुलकर सलमान की मलयालम फिल्म कुरूप की रिलीज से पहले भी धमकियां दी गई थी, जिसमें कुछ स्क्रीन्स को तोड़ा फोड़ा भी गया था। खैर, इन दिनों PS1 फिल्म की कास्ट पिक्चर को प्रमोशन कर रही है। एक इवेंट में इंटरव्यू के दौरान एक्टर चिया विक्रम ने कहा कि मणि सर को ये फिल्म बनाने में 40 साल लग गए। इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने आगे कहा कि मणिरत्नम फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि मणि से पहले बहुत से स्टार्स ने इस मूवी को बनाने की कोशिश की, मगर सफलता मणिरत्नम को ही मिली। फिल्म में जयराम रवि, विक्रम कार्ति, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा, शोभिता और प्रकाश राज दिखाई देंगे।